काम होता है ये जानकर भी हम कुछ नहीं कर पा रहे थे क्योंकि हमारे पास प्रूफ नहीं था।
हमें प्रूफ दिया, थैंक यू सो मच। सारे लड़कियों को बाहर लेकर आओ और तुम भी हमारे साथ चलो। नहीं अफसर, आप जैसे समझ रहे हो, ये वैसी लड़की नहीं है, इसे यहाँ जबरदस्ती लाया है। सर, यहाँ पर सभी लड़कियों को जबरदस्ती लेकर आते हैं। अफसर, आप मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए, इसकी करियर बर्बाद हो जाएगा। मैं आपकी बात को समझ सकता हूँ, लेकिन हम मजबूर हैं। प्लीज सर, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, मेरी सब कुछ खत्म हो जाएगी, मैं मेरी दीदी को क्या जवाब दूंगी? तू शांत हो जा। अगर उसकी शादी हो जाती, वो उसके पति के साथ होती, तो हम उसे छोड़ सकते थे। हम हमारे सर को बोल सकते थे कि उन दोनों को पता नहीं था इस होटल में ऐसा कुछ होता है, लेकिन इसकी तो शादी भी नहीं हुई है। शादी करने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? हाँ, इसका एक ही सलूशन है, वरना उसे हमारे साथ जाना ही पड़ेगा। ठीक है, जैंको किसी को फोन करता है, जल्दी आ जाओ। सर, मैं आ गया। ए लो, इस पे साइन करो। ए रिंस की पेपर है, ते बिना बात के साइन कर देती है। पंडित जी, आप मंत्र पढ़ो। मैं नहीं जानता हूँ तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है, मुझे जानना भी नहीं है। ये शादी मैं सिर्फ तुम्हारी जान और सम्मान को बचाने के लिए किया है। तुम इस शादी को भूल जाओ और जैसे जी रहे थे वैसे जियो, इसे एक बुरा सपना समझ के भूल जाओ। मेरे लिए इस शादी का कोई मतलब नहीं है। आप एक क्या कह रहे हैं? मैं जो कह रहा हूँ से कह रहा हूँ, आपने मुझसे शादी किया है, मैं आपकी पत्नी हूँ। सॉरी, मैं शादी प्यार के रिश्ते में बिलीव नहीं करता हूँ, इससे सिर्फ तकलीफ और धोखा मिलता है, इसलिए मैं शादी और प्यार से नफरत करता हूँ। लेकिन मैं बिलीव करती हूँ, शादी प्यार जिंदगी में एक ही बार होता है, बार बार नहीं। शादी कोई खेल या मजाक नहीं है। आपने मेरी जान और सम्मान बचाने के लिए मुझसे शादी किया है, इसके लिए मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। अगर आपको ये रिश्ता निभाना ही नहीं था, तो आपने शादी क्यों की मुझसे? मरने देते मुझे, क्यों बचाया? घुट घुट के मरने से तो एक बार भी मर जाना ठीक है। एक लड़की को जब उसके पति शादी के दिन ही छोड़ देता है, तो उसकी जिंदगी मौत के बराबर हो जाते हैं। मुझे नहीं पता आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, आपको शादी और प्यार से नफरत क्यों है? मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, आप मुझे एक मौका दो, मैं आपकी सोच को बदल दूंगी। नहीं, मेरा ये सोच कभी नहीं बदलेगा। बदलेगा, आपका ये सोच एक दिन बदलेगा, देखना आपकी जिंदगी में भी कोई आएगी जो आपकी सोच को बदल देगी। लेकिन वो लड़की मैं नहीं, कोई और होगी। मेरा ये सोच कोई नहीं बदल सकता। ये कहकर जंगल रूम से चला जाता है। अब मैं कहाँ जाऊंगी, ये मेरे साथ क्या हो गया? ये लड़की कहाँ गई? वो क्या चली गई? मैंने क्या उसके साथ सही किया? जंकुक, अपने काम पे फोकस कर, जो हुआ भूल जा। दूसरे दिन सुबह कुछ लोग एक लड़की को लेकर हॉस्टल में आए थे। उस लड़की को देखकर मैं चौंक गया था, क्योंकि वो लड़की बिल्कुल तुम्हारी तरह एक शादी के जोड़े में थी। मैंने उन लोगों से पूछा क्या हुआ, उन लोगों ने बोला उसने सुसाइड किया। मैंने चेक किया तो देखा वो लड़की मर गई थी। मैंने उन सब से पूछा इसने सुसाइड क्यों किया, उन लोगों ने कहा कि कल उसकी शादी हुई थी और उसके पति उसे छोड़कर चला गया, वो बेचारी लड़की क्या करेगी, कहाँ जाएगी, ये सोचकर सुसाइड किया। ये सुनकर मेरे दिल में दर्द होने लगा। मैंने सोचा वो लड़की तुम हो, मेरे वजह से तुम मर गए। 5 साल से मैं तुम्हारे लिए तड़पता रहा, ये सोच के कि मैं तुम्हें मर डाला। मैं एक भी रात चैन से सो नहीं पाया, मैं ये सोचता रहा अगर मैं तुम्हारी बात सुनकर हमारे रिश्ते को एक मौका दिया होता तो तुम जिंदा होती। बनी, मेरा विश्वास करते, मैं सिर्फ अपना प्यार देके तुम्हारी हर दर्द को भुला देना चाहता था। मेरी वजह से तुमने जितनी भी तकलीफें सहा है वो सब भुला देना चाहता था।
सॉरी के, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। एक कहकर जैकुक वहां से चला जाता है। बनी रुको, बनी ते भी जैकुक के पीछे जाता है। ओ तो ये दोनों एक ही साथ एक ही हॉस्टल में रहते हैं। भैया मेरा शादी हो रहा है, हम क्या एक बैचलर पार्टी नहीं करेंगे? नहीं, कोई बैचलर पार्टी नहीं होगा। भैया आप ऐसे क्यों बोल रहे हो, प्लीज भैया मन जाओ ना। कभी नहीं, एक कहकर आरंभ चला जाता है। अगर जैकुक होता तो भैया को जरूर मार देता। जिमिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आसमान देख रही हो सुगा? देखो ना कितनी सुंदर लग रही है। हाँ बिल्कुल तुम्हारी तरह, तुम भी उस छत की तरह हो जिमिन, बहुत प्यारी जिसे सिर्फ देखने का मन करता है। सुगा बस भी करो, बस और एक दिन उसके बाद तुम पूरी तरह से मेरी बन जाओगी। पता है सुगा, मैंने कभी नहीं सोचा था मुझे मेरा प्यार मिलेगा। मैं तो सोचती थी मेरा प्यार एक तरफा है और एक तरफा प्यार हमेशा अधूरा रहता है, लेकिन मुझे विश्वास था मेरा प्यार मुझे मिलेगा क्योंकि मेरा प्यार सच्चा था और सच्चा प्यार कभी अधूरा नहीं रहता है। तुम कहना क्या चाहते हो, मेरा प्यार सच्चा नहीं था? नहीं जिमिन, मैंने ऐसा नहीं बोला। अगर तुम्हारा प्यार सच्चा नहीं होता तो तुम क्या मुझे मिलते? जिन क्या हुआ? कुछ नहीं यारेन, थोड़ा पेट में दर्द हो रहा है। क्या पेट में दर्द हो रहा है? मैं अभी जैकुक को फोन करता हूँ। अरे अरे रुको, ये नॉर्मल पेन है, अभी ठीक हो जाएगा। हाँ नॉर्मल पेन है? पेन कैसे नॉर्मल होता है? देखो जिन, मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता, तुम और मेरे बेबी मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो। अरे प्लीज तुम शांत हो जाओ और मेरे पास आओ। अरे जिन के पास जाते हैं। जिन आरएम का हाथ अपने पेट पे रखता है। अरे मैं और तुम्हारा बेबी दोनों ही ठीक है। जिन तुम सच कह रहे हो ना? हाँ अरे मैं सच कह रही हूँ। जिन तुम मेरी जिंदगी हो, आई लव यू टू। अरे तेरे मेरे दर में आज मन कहा सार है गया, मैं जो कभी कह न सकी आज कहती हूँ पहली दफा। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, यू आर इन माई हार्ट। 5 साल पहले मैंने जब तुम्हें पहली बार हॉस्टल में देखी थी तो मैं तुम पर क्रश गई थी। तुम्हें देखने के बाद मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोचती थी। दूसरी बार जब मैंने तुम्हें कॉफी शॉप में देखा तो मेरे दिल में एक अजीब सा फील होने लगा। वो फील क्या थी वो मुझे समझ में नहीं आ रही थी, बस बार बार तुम्हें देखने का मन कर रही थी। वो मेरी पहली प्यार की पहली एहसास थी जो मुझे समझ में नहीं आ रही थी। जब मैंने तुम्हें शॉपिंग मॉल में किसी लड़की के साथ बात करते हुए देखा तब मुझे एहसास हुआ कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। जब भी तुम हॉस्टल में आते थे मैं तुम्हें छुप छुप कर देखती थी, तुम्हारे सामने जाने की हिम्मत नहीं होती थी। तुम तब बहुत छोटी थी के? हाँ मैं 19 साल की थी, मैं एक मेडिकल स्टूडेंट थी। बनी मैं नहीं जानती थी कि तुम एक डॉक्टर हो, तब मैं एक जूनियर डॉक्टर था। बनी तुमने मुझे पहचाना कैसे, तुम तो मुझे कभी देखा ही नहीं। बोलो ना तुम्हारी आवाज़ से तुम्हें पहचाना। तुम्हारे जाने के बाद मुझे एहसास हुआ मैंने कितनी बड़ी गलती की है। उस दिन मैं अगर तुम्हारी बात मान लिया होता, तुम्हें एक मौका दिया होता तो तुम शायद जिंदा होती, यही सोचता था। तुम्हारी वो बातें मेरे दिल में चुभता था, मैं तुम्हारी वो बातें हर पल याद करता था। मैं सोचता था काश मैं उस दिन तुम्हें जाने नहीं देता तो तुम आज मेरे साथ होती, जिंदा होती। मैं कभी शादी प्यार में बिलीव नहीं करता था क्योंकि मेरी माँ ने मेरी पापा को धोखा दी थी, उन दोनों का लव मैरिज था, फिर भी मेरी माँ ने मेरी पापा को धोखा दिया। बनी तुम्हारे जाने के बाद मुझे शादी प्यार में बिलीव होने लगा। जब भी कोई कपल मेरे पास आते थे तब उन्हें देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता था, मैं तुम्हारी बातों के साथ जी रहा था। लोग एक दूसरे को देखकर प्यार करते हैं और मैं तुम्हें बिना देखे बिना नाम जाने मैं तुम्हारी बातों से तुमसे प्यार कर बैठा। हाँ ते मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, यू आर इन माय हार्ट। काश शादी के बाद मैं तुम्हारी चेहरा देखता तो मुझे तुम्हें पहचानने में बिल्कुल भी देर नहीं होता। पहली बार जिस दिन मैंने तुम्हें देखा, तुम्हारी आवाज़ सुनी तो मेरा वक्त थम गया था, मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा था, दिल में एक अजीब सा फील होने लगा। थोड़ी देर बाद मुझे एहसास हुआ तुम मेरी वाइफ नहीं हो क्योंकि तुम तो जिंदा ही नहीं हो, शायद तुम्हारी आवाज़ उससे मिलती है। मैं हॉस्टल में पहले दिन लिसा को देखकर पहचान लिया था। मैंने लिसा से तुम्हारे बारे में बहुत बार पूछा लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। जब भी मैं तुमसे मिलता था तुम्हारी बातें मुझे तुम्हारी तरफ खींचता था और तुम्हारी वो हरकतें मुझे बहुत अच्छा लगता था।